वो घटना याद कर लिया करो ना। मेरे बाला प्रीतम जी पालकी में से जा रहे, पहला रुख तन करो, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटारो। पहली पंक्ति है श्री सुखमणि साहब जी की। कई लोग सवाल करते हैं वाणी से तन का रोग कैसे दूर होगा, पहली पंक्ति है श्री सुखमणि साहब जी की, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन कर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उस परमात्मा का नाम जब क्या होगा, सबसे पहले तेरे तन में से रोग ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर तन में से रोग नहीं गया ना, नाम जपने में मन नहीं लगता। सर दर्द ही होता हो, नाम जपने में मन नहीं लगता। सबसे पहले जरूरी है अरोग देही, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े महापुरुष गुरु साहब जी के आगे अरदास नहीं करते, कुछ मांगते नहीं, पर देह अरोगता वो भी मांगते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि देह अरोग होगी तो काम आगे चल पाएगा, रोगी शरीर के साथ नहीं, गाड़ी खराब है चलेगी कैसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इस शरीर में से सेवा करनी है संगत की, नेक काम करनी है, तो भी शरीर निरोगी चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। पालकी साहब में जा रही है मेरे बाला प्रीतम जी, मेरे श्री गुरु हरिकृष्ण साहब जी। 5-5.5 साल की आयु, ये 5-5.5 साल की आयु की वजह से उन्हें बार बार लोग हैरानी से देखते थे, विश्वास नहीं कर पाते थे कि इतनी छोटी आयु का कोई गुरु हो सकता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5.5-5 साल का बालक गुरु, कोई विश्वास नहीं करता था। पालकी गुजर रही है, कोड़ी उठकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए, जोर जोर से रोने लगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु हरकृष्ण साहब जी ने पालकी रुकवा दी, पर्दा हटाया, देखा उसकी तरफ, पूरे शरीर में से खून और पस बह रहा है। कोढ़ का रोग ऐसा होता है साथ संगत जी, आप सोचो एक उंगली में भी थोड़ी सी पस भर जाए ना, चैन नहीं आता, पूरे शरीर में पस भरा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, शरीर गलने लगता है, आदमी मौत मांगता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुष्ठ रोग कहती है जिसे, कोढ़ी, वो खड़ा हो गया और उसने क्या कहा, ये जो उसने कहा ना वो मेन बात है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, आप गुरु नानक की जोत के मालिक हो, हे गुरु हरकृष्ण साहब जी, आप गुरु नानक की जोत के मालिक हो, आप वही गुरु नानक की जोत के मालिक हो जिन्होंने कोड़ी का रूप ठीक कर दिया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दीपालपुर के कोड़ी का रोग ठीक किया था, आप वही गुरु नानक हो जो तीसरी जोत में आकर गुरु अमरदास जी के रूप में आपने प्रेमा कोड़ी का रोग ठीक किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप वही गुरु नानक हो सर्वकला समर्थ हो, मुझ पर तरस करो, हे गुरु हरकृष्ण साहब जी मेरा रोग भी ठीक कर दो, मुझसे अब नहीं सहन होता, या तो मौत दे दो या तो रोग ठीक कर दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरकृष्ण साहब जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तू जिनका भेजा हुआ आया है, क्योंकि उन्हें भेजा था कोड़ी को निंदको ने, जा रास्ते में खड़ा हो जाना, लोग कहते हैं रोग ठीक करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे गुरु हरकृष्ण साहब जी रोग नहीं ठीक कर सकते, कोड़ी सब बाजार भरा पड़ा है लोगों से, जब कोड़ी को ठीक नहीं करेंगे तो नाम खराब हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदको ने भेजा था गुरु हरकृष्ण साहब जी अंतर्जामी सब जानते हैं, कहने कि जिनका भेजा हुआ आया है उनकी नीयत ठीक नहीं, पर तेरी श्रद्धा ठीक है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तूने गुरु नानक की उस्तत की है, गुरु नानक की जोत का है, गुरु नानक की उस्तत की है, ये ले रुमाल, अपना रुमाल दिया साथ संगत जी, जिससे वो अपना मुंह पोंछते थे, अंग पोंछते थे अपने, गुरु हरकृष्ण साहब जी। कहने लगे, धन गुरु नानक बोलते हुए पूरे शरीर पर फेरते जा, गुरु नानक भली करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि तूने गुरु नानक की उस्तुति की है, अब गुरु नानक भली करेंगे। और उस कोड़ी ने वो रुमाल लेकर जहाँ जहाँ अपने शरीर पर लगाया, और रोग होता गया, कंचन देही हो गई उसकी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।